सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आखिर कौन थी औरत जिसने इस घटना को अंजाम दिया और क्यों? ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से यह संगीन अपराध हुआ? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। छोटी सी भूल जुर्म की बुनियाद कब और कैसे बन जाती है कोई समझ नहीं पाता, और कई बार जब इंसान को अपनी भूल का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती। घर के छोटे छोटे मसले कितनी बड़ी घटनाओं और कैसे कैसे हादसों को जन्म दे सकती है, आइए देखते हैं। रोड के ठेकेदारी में पैसा तो है जुगल, आपने कमाए भी, लेकिन सबको साथ में लेकर चलना ही समझदारी है। समझदारी? अबे सबको साथ में लेकर चलेंगे तो घर ही में बैठे रहेंगे, समझे? भैया इन बड़े ठेकेदारों से दुश्मनी ले लेंगे ना, तो खतरे से खेलने वाली बात ना हो जाए। देखो बाबू, जिसको खतरा से डर लगता है ना, तो इस धंधा में आना नहीं चाहिए। और रहा बात डर का, तो हमको लगता नहीं। अच्छा भैया, चलते चलते हैं भैया। ठीक, अम्मा कहाँ किधर से आ रही हो? अरे कहाँ बताए बबुआ, वो चौबे जी है ना, उनके यहाँ गोद भराई का रसम था। वो लोग तो शाम तक रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन सभी औरतें पूछ रही थी बहू की गोद हरी हुई कि नहीं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमरा घर में गोद भराई के रसम होगी। काइस काइस, भी फोटो फाटो लगा के का बदल जाएगा? अरे का चमत्कार हो जाएगा काइस से, का कर रही हो तुम? अजी कहते हैं ना, जिस घर में बच्चे की आस होती है उस घर में आसपास बच्चों की तस्वीर लगा के रखनी चाहिए। सब फालतू का बात है। अरे टिश्यू हमारा सामने मत दिखाया करो, हम बता रहे आंखें फोड़ देंगे। क्या हम माँ नहीं बनना चाहते या माँ बनने की ख्वाहिश नहीं है हमें, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं है तो हम क्या करें? भगवान का मर्जी नहीं, वजह बोलो वजह। तुम्हारी वजह से इस घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है। Thank you.
अरे जीजा जी, दीदी आप। प्रणाम 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 भाई, आई आई आई, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बड़ा अरे अम्मा, अरे अम्मा जल्दी आओ, देखो दीदी जीजा जी आए हैं। ऐसे अचानक, ना कोई फोन ना कोनो खबर। अरे माँ, ये ना सरप्राइज देना चाहते थे। माँ जी, हमारे इकलौते साले की सालगिरह है शादी के 2 दिन के बाद, तो सोचा सब साथ में मिलकर धमा चौकड़ी करते हैं। नहीं दामाद जी, इस साल शादी की सालगिरह नहीं मनाया जाएगा। पर क्यों माँ जी? न जाने बच्चे के खातिर कौन कौन से दरगाह, कौन कौन सी मंदिर के चौकट पे सर पटका है हमने, कहां कहां मन्नतें की है। अब तो लगने लगा है कि जमीन ही बंजर हो तो फूल कैसे खिलेगा। अब तो ये खानदान को बचाने के लिए जुगल की दूसरी शादी करनी ही होगी। हमने आज ही पंडित जी से कहा है कि जुगल के दूसरे ब्याह के लिए आज ही से लड़कियां देखनी शुरू कर दे। अब हमें ही देखना है कि ये खानदान कैसे चलेगा। लेकिन अम्मा, एगो बहू के रहते दूसरा शादी कैसे हो सकता है? ये मनहूस से कैसे छुटकारा मिलेगा, ये तो अब जमाई बाबू ही बताएंगे। अरे जीजा जी, आप यहाँ? जी 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 भाभी जी, वो घर पे कोई है नहीं तो मैंने सोचा कि ऊपर ही चलता हूँ। अच्छा, काफी दिनों से आपसे एक बात कहनी थी। कहीं घर का माहौल बड़ा अजीब सा है, क्योंकि सभी लोग बच्चे की वजह से आपसे बहुत नाराज है। अब हम क्या करें जीजा जी, ये डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयारी नहीं है। अरे आपको भी ना समझ में नहीं आता है। अरे वो क्यों जाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कमी उसके अंदर ही है। देखिए, ये बच्चे की बात तो अब बच्चे के लिए आपको ही सोचना होगा। भाभी जी मुझे देखिए, मेरे 2-2 बेटे हैं। वैसे एक बात बोलूं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। घर की बात घर में रहेगी। आपने मुझे मारा? जी हाँ, चले जाइए यहाँ से, वरना हम सबको बता देंगे कि आपकी सोच कितनी घटिया और वाहियात है। आप क्या बताएंगे? अगर आपने जबान नहीं खोला ना, तो मैं बताऊंगा सबसे कि आप माँ बनने के लिए मेरे साथ सोना चाहती थी और मैंने इस बात के लिए इनकार किया, तो मेरे बताने से पहले आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अब सोच लीजिएगा कि आपको जबान खोलनी है या बंद रखनी। सुनिए जी, क्या हो गया? हमारी बात एक बार तो मान लीजिए, न जाने कितनी बार हमने आपसे कहा है और आप हर बार हमारी बात टाल जाते। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, बात ही ऐसा करते हो, क्या मनवाना चाहते हो बोलो। सुनिए, हमने डॉक्टर अंजलि से फोन पे ना अपॉइंटमेंट ले लिया है, एक बार जांच करने में क्या हर्ज है? एक बार जांच करवाने में क्या हर्ज है? अरे तुम्हारा दिमाग वास्तव में खराब हो गया है, का कहना क्या चाह रही हो तुम? अरे तुम्हारे से कुछ नहीं हो पा रहा है, उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। जी हमने ऐसा तो नहीं कहा। अरे डायरेक्टली दबा देंगे तुम्हारा। जिसको चेकअप पिकअप कराना है जाकर करा, बाहर बजाए। हमारे ऊपर उंगली उठाया तो दबा देंगे। आज भी हमारे देश में अगर कोई औरत मां नहीं बन पाती तो इसके लिए औरत को ही जिम्मेदार माना जाता है, जबकि सच तो यह है कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ औरत नहीं होती, बात बच्चा पैदा करने की हो, बेटा बेटी पैदा करने की हो, तो सिर्फ औरत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता,
अगर जुगल चाहता तो इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता। आज मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है, मेडिकल साइंस के पास इस समस्या के तमाम समाधान है, कई उपाय है, गर्भ प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी और भी कई उपाय, और बच्चे को गोद भी लिया जा सकता है। लेकिन समस्या का समाधान तो तब ढूंढा जा सकता है जब पता हो कि आखिर समस्या है क्या। लेकिन जुगल तो डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में शोभा क्या करती? शोभा ने डॉक्टर अंजलि के पास अपना चेकअप करवाया। ये रिपोर्ट तो यही कहती है कि आपके अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिससे आप मां नहीं बन सकती। क्या सचमुच डॉक्टर साहब हमारे अंदर कोई कमी नहीं है? हाँ सच में। अब आप एक काम कीजिएगा, आप अपने पति को यहाँ पे एक बार लेके आइएगा, एक बार उनका चेकअप करवाना भी जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी छोटी मोटी कमी की वजह से ये समस्या हो जाती, जिसे कुछ दिनों की दवाइयों से भी दूर किया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने पति को यहाँ पे लेके आइएगा। चाहती क्या हो? हमने तो भाई कहा जी, जो डॉक्टर ने हमसे कहा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, सारा कमी हमारे अंदर है। सुन रही हो मैं क्या कह रही? पति हमने ऐसा तो नहीं कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर जो समस्याएं होंगी वो दवाई से ठीक हो जाएंगी। बकवास मत करो, कोई चक्कर वक्कर नहीं कराएंगे हम। बात खराब कर दिया। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। हमारे जमाने में काम मजाल की कोई जबान खोल दे, लेकिन देखो देखो इसे देखो, इसकी जुबान कितनी लंबी हो गई है कि अपने पति पे उंगली उठा रही है। कितनी बेशरम हो तुम, ये तरीके के बात सोचते हुए और कहते हुए तुम्हारी जुबान भी नहीं लड़खड़ाई। छी, शरम आनी चाहिए तुमको। पता नहीं कौन से बुरे कर्मों का फल बनकर आई है ये। इसकी सूरत देख के बिना दहेज के शादी की थी इससे, लेकिन पता नहीं था ये ऐसी निकलेगी। करम जली मनहूस। खुश रहो बिटिया, सदा सुखी रहो। तुम और दामाद बाबू खुश हो ना बिटिया? हाँ बाबूजी, बहुत खुश है। शोभा बिटिया, आज तुम्हारे शादी की सालगिरह है ना, इसीलिए मैंने फोन किया। दामाद बाबू को भी फोन किया था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो बाबूजी ना कहीं व्यस्त होंगे। और विद्या कैसी है, उसकी शादी कहीं तय हुई कि नहीं? अब क्या बताएं शोभा बिटिया, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या न करें। जहाँ भी जाओ ना, हर जगह दहेज की मांग हो रही है बिटिया। लेकिन अब जाकर एक जगह बात हुई है, उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही शादी पक्की हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो बिटिया। जुगल मेरे दोस्त, चाची जी प्रणाम। अरे डॉक्टर साहब आइए। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अभिराज, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे चाची, मेरे दोस्त के शादी की सालगिरह, ये दिन भला मैं कैसे भूल सकता था। जुगल, भाभी जी कहीं नहीं दिख रहे यार, उन्हें भी तो विश कर दो। वो अंदर अपने कमरे में है। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता। भाभी जी नमस्ते।
शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जी धन्यवाद, काश की सालगिरह सचमुच मुबारक होती। ये क्या कह रहे हैं आप, और आपने ये हालत क्या बना रखा है भाभी जी? बदनसीबी की ठोकरों से टकरा कर अब हर खुशी भी कट चुकी। क्यों, क्या हुआ, आखिर बात क्या है? मैं इस घर को, इस घर की खुशियों को बिखरते हुए नहीं देखती। आप तो इनके दोस्त हैं ना, और डॉक्टर भी, आप चाहे तो हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो मेरे लिए खुश नसीबी होगी भाभी जी, बताइए मैं आप लोगों के लिए क्या मदद कर सकता हूँ? हमारी बदनसीबी है कि हम अब तक इस घर को औलाद नहीं दे सके। मैं चाहती हूँ कि आप इनको समझा कर एक बार इनका चेकअप करवा दें। मेरा चेकअप हो चुका है, बस इनका चेकअप बाकी है, प्लीज। बस इतनी सी बात, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका काम ये जरूर करूंगा। मैं जुगल का चेकअप करवाऊंगा, उसको समझाऊंगा, तो मुझे यकीन है कि जुगल मेरी बात जरूर मानेगा। रसोई का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना भी बनाना बाकी है, तुमको तो बात करने का मौका मिल जाए बस। बहुत सही पैतरा फेंकी हो तुम, काफी चलाक हो गई हो हैं? इतना चलाक निकलोगी नहीं समझते थे। तुम्हारे कहने पर वो डॉक्टर अग्रजवा से चेकअप करवा लिए हम अपना। खुश? तो बहुत खुश होगी तुम, सुकून भी मिल रहा होगा, आ रहा है ना? भाई रे दादा माँ, वाह बहुत अच्छा, कल रिपोर्ट भी आ जाएगा है कि नहीं, सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे तुमको क्या लग रहा है, दोनों कमजोरी मजूरी धर लिया काम, ये लग रहा है का? कर हम अभी बताते तुमको, ठीक है? हमको का धर लिया है अब भी बताते। देखो ऐसा चेहरा बना के रखा है मनहूस जी ने। मनहूस नहीं होती तो ये डॉक्टर से हमारा चेकअप करवाई होती। एक बात बता देते हैं, अगर तुम्हारी बात साबित हो गई सबके सामने गोली मार लेंगे हम अपने आप को, बता रहे हैं। उसी डॉक्टर का ही फोन होगा अभिराज का, हम उठाते हैं। हेलो चाची, प्रणाम। हाँ अविराज बेटा बोलो, जुगल कोई रिपोर्ट के बारे में बोल रहा था। जी मैंने उसी के लिए फोन किया है आपको। आ गई रिपोर्ट, क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? चाची ये रिपोर्ट कहती है कि जुगल के अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिससे कि वो बाप न बन सके। हम तो जानते हैं ये हमारा बेटा है, सिर्फ हमारी बहू ही नहीं समझ पा रही है, लो समझाओ इसे। इस रिपोर्ट के अनुसार जुगल के अंदर कोई कमी नहीं है, मैं कुछ दवाइयां लिख दूंगा जो कुछ महीनों तक खानी पड़ेगी। सुना तुमने डॉक्टर अविराज ने क्या कहा? अब तो ये भी साबित हो गया ना कि कमी जुगल के अंदर भी नहीं है, अब क्या कहोगी तुम? इसका मतलब यही है ऊपर वाला भी इसे औलाद देना नहीं चाहता है, अब बस हमें हमारे बेटे की दूसरी शादी जल्द से जल्द करनी है।
स्टॉप क्लाइमैक्स शाम 6 बजे रणविजय के चंगुल से अवधेश कैसे बचाएगा अपनी जान ना कोई गवाह ना कोई सबूत सीधा फैसला शाम 6:30 बजे क्या खतरे में पड़ जाएगी कार्तिक की जिंदगी करण वहाँ पानी में मत जा शाम 7 बजे संतों की याद में क्या थम जाएंगी बाकी सांसें संतोड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता शाम 6 से 7:30 देखिए नॉनस्टॉप क्लाइमैक्स दंगल पर देखिए ये लड़की का तस्वीर है लड़की का नाम पूनम है वो कहा है लड़की का पिताजी दहेज देने का काबिल नहीं है लेकिन लड़की बहुत सुंदर है यदि आपको लड़की पसंद हो तो बात आगे बढ़ाई जाए पंडित जी लड़की सच में सुंदर है और हमको पसंद भी है तहेज की कोनो चिंता नहीं है पंडित जी अभी ना देर किए रिश्ता पक्का कर ही दीजिए और वैसे भी आप जैसा कह रहे हैं लड़की तो लाखों में एक है बात तो एकदम पक्के समझिए जजमान लेकिन सबसे पहले पहलकी बहू से छुटकारा तो पा लीजिए फिर लड़की देखने चलिएगा लगे हाथों बात भी पक्की हो जाएगी चलिए जजमान हम निकलते हैं जी पंडित यदि आपके घर का मसला सुलझ जाए तो हमें फोन करके बता दीजिए हम चलते हैं जुगल बेटा उस नास पीटी के बाप को फोन करो अब हम ज्यादा वक्त नहीं गवा सकते हेलो नमस्ते समधन जी नमस्ते समधन जी ऐसे ऐसे क्या बात हो गई कि आपने मुझे यहाँ तुरंत आने के लिए कह दिया ऐसे ही कौनो जरूरी बात थी बैठिए दरअसल बात यह है कि माँ जी जुगल की दूसरी शादी करना चाहती क्योंकि उन्हें खानदान का वारिस चाहिए जो कि आपकी बेटी उन्हें दे नहीं पा रही हमारे सामने एक ही रास्ता है बहू को डिवोर्स दिया जाए उसका जो खर्चा खेवा है उससे मिलता रहेगा कानून भी यही कहता है समझ ये क्या कह रही हैं आप ऐसा मत कीजिए समझ ऐसा गजब मत ढाइए जी ऐसा क्यों कर रही है ऐसा जुल्म मत कीजिए माँ जी हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं माँ जी हमें थोड़ा सा तो वक्त दीजिए तू कहाँ हाथ जोड़ेगी हम तो सारे देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ के माथा रगड़ के मायूस हो चुके हैं अब तू डिवोर्स ले ले और ये घर को आजाद कर दे ऐसा मत कीजिए समधन जी आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी छोटी बेटी की शादी भी नहीं हो पाएगी समधन जी मैं उसको ले जाऊंगा तो इसकी दूसरी शादी करूंगा ये अपनी छोटी बेटी की शादी करूंगा समधन जी ऐसा मत कीजिए इस आगन को यहीं रहने दीजिए अपने यहाँ समधन जी कृपा कीजिए हमारे पर समधन जी हमें हमारे बेटे की दूसरी शादी भी तो करनी है दामाद जी,
कागजात लाइए और अभी के अभी लिखवा लीजिए। जी माँ जी, मैं अभी लेकर जजमान, अब आपको जॉन कुछ भी बात करना है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछना क्या है पंडित जी, लड़की को तो हमने तस्वीर देख के ही पसंद किया था, अब तो सामने देखकर बात पूरी हो गई है। का कहते हो बबुआ? अम्मा, अब बबुआ का बताएंगे। पंडित जी आप बस ये बताइए कि शादी का मुहूर्त कब का है? जजमान, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीन महीना में तो लगन मुहूर्त है ही नहीं। नवंबर से लगन मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है, मतलब कि इसी मुहूर्त में शादी हो सकता है। ठीक है पंडित जी, अगर नवंबर तक मुहूर्त नहीं है तो हम इंतजार कर लेंगे। अब तो हमारे घर की बहू यही कहलाएगी। भाभी जी, जुगल कहाँ? जुगल, 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 घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाभी जी? कहाँ है सब लोग? वो अपनी दूसरी शादी के लिए लड़की देखने गए। क्या दूसरी शादी? जुगल की दूसरी शादी रोकनी होगी, वरना आपके साथ साथ उस दूसरी लड़की की जिंदगी तबाह होगी। क्या मतलब? दरअसल सच ये है कि अपना जुगल, जुगल कभी बाप नहीं बन सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, वो बाप बन सकते हैं। क्या आप नहीं जानती जुगल कितना जिद्दी है? वही इस कदर जिद्दी है कि अगर मैं उसको बता देता कि तुम बाप नहीं बन सकते तो वो खुद को गोली मार लेता। लेकिन इस तरह से तो उस लड़की की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो लगता है यह घर सचमुच तबाही के कगार पर है, और मैंने सच नहीं बताया तो आपके साथ साथ उस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इस घर को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है भाभी जी, मेडिकल के पास में बच्चा पैदा कर। दूसरी शादी रुक जाए। पर ये कैसे हो सकता है जब जुगल ही बाप बनने के लायक नहीं है? ये सारी लड़ाई तो एक बच्चे के लिए है ना भाभी जी। आज जुगल आपको भूलकर इस घर में दूसरी लड़की को लाना चाहता है। अगर जुगल बच्चे के लिए किसी दूसरी लड़की का सहारा ले सकता है तो फिर आप किसी और का सहारा क्यों नहीं ले सकते? वो बाप नहीं बन सकता, पर आप तो मां बन सकती है। इस घर को बचाने के लिए आपको किसी और का सहारा लेकर बच्चे को जन्म देना होगा। आपको समझौता करना होगा भाभी जी। ये गलत है, ये पाप है। एक सुहागन के लिए गैर के बारे में सोचना भी पाप है। आप सुहागन के साथ साथ इस घर की बहू भी है। अगर ये घर आज तबाही के कगार पर खड़ा है तो इसे बचाना आपका ही फर्ज है और आपकी जिम्मेदारी भी। अपने पति और उस लड़की की जिंदगी को तबाह होने से बचाने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है भाभी जी, और आप ही इस घर को बचा सकते हैं। अगर आप बहू का फर्ज निभाना चाहती हैं तो आपको यह समझौता करना होगा। इसमें मैं आपकी मदद करूंगा ताकि ये बात मेरे और आपके बीच में। जुगल को पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो बाप नहीं बन सकता। बस ये फैसला आपके हाथ में है। मैं कल 11 बजे अपने क्लिनिक में आपका इंतजार करूंगा।
अगर आप नहीं आए तो मैं समझूंगा कि आप ये समझौता नहीं करना चाहते और उसके बाद मजबूरन मुझे ये सच्चाई जुगल को बतानी होगी और उसके बाद क्या होगा ये भगवान ही जाने। चलता हूं भविष्य। डटकर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। मैं कल सुबह 11 बजे आपका इंतजार करूंगा अपनी क्लिनिक। एक बात बता देते हैं, अगर तुम्हारी बात साबित हो गई हम अपने आप को गोली मार लेंगे। इस शर्मिंदगी लेकर के हम नहीं जी सकते। मार लेगा अपने आप को गोली। मार लेगा गोली। नहीं। नहीं। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब किसी के कदम बहकते हैं तो उसे समाज और खानदान की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता। लेकिन यहां तो बात ही अलग थी। घर की बहू के कदम अगर घर की दहलीज को लांघ कर नाजायज रास्तों की ओर बढ़ चुके थे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बहू होने का फर्ज निभाना था। एक ऐसी औरत जो किसी पराए पुरुष के बारे में सोचना भी पाप समझती थी, क्या उसे अपने चरित्र अपनी अस्मिता के साथ समझौता करना पड़ेगा? क्या वो ऐसा कर पाएगी और इसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि पाप का ये खेल ना कभी किसी को रास आया है और ना आएगा। कहते हैं वही दो रहा है जहां से एक रास्ता जुर्म की ओर जाता है। जुगल जी, ऐसी क्या बात थी कि आपने मुझे मिलने के लिए ही बुला लिया? आप हैं ही इतना खूबसूरत, अब क्या कहें? हम अपना दिल पर काबू ही नहीं रख पाए। क्या करते बताइए ना। शादी तय क्या हुई, आपका तो चैन ही खो गया। अब चैन खोना तो लाजमी था ना हमारा। हमको रात भर नींद नहीं आया, हम बता रहे हैं कहीं बाहर चले हम लोग। अम्मा, जो अब
हुआ वो अब कैसे हो सकता है? माँ जी, हाँ? रिपोर्ट्स, ये तो सचमुच पॉजिटिव है। मतलब ये कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है। बाबुआ, बाबुआ! अरे 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 अरे, शोभा बिटिया ये क्या कर रही है? अरे अरे, रख दे रख दे, बाल्टी का उठा रही है। क्यों? आज से घर का सारा काम मैं करूंगी। तुमको कोनो काम करने का जरूरत नहीं है। क्या हो गया अम्मा को? कांग्रेट्स। हेलो जुगल। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? बैठो बैठो। बिटिया, अब तुमको कोनो बात का चिंता करने का जरूरत नहीं है। अब जुगल का दूसरा शादी नहीं होगा। जुगल बात करने गया है, तुम खा लो। अम्मा, अम्मा, लो तुम खा लो, हम अभी आते हैं। इस सप्ताह तुम दोनों को शिमला भेज रहे हैं। शिमला परिवार की खुशियों की खातिर मुरली और भारती ने शुरू किया शिमला का सफर। लेकिन हमारे देश में बाल विवाह गैर कानूनी है। आप जितना छोटा हमें समझ रहे हैं उतना है नहीं, हमारा कद छोटा है। क्या भारती कर पाएगी मुरली को इस कैद से रिहा? बाबा ऐसो वर ढूंढो सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। हाँ माँ, अभी ब्याह नहीं तोड़ा जा सकता। काहे? काके पूनम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वैसे मैं शादी तोड़ देना ठीक नहीं होगा। कुका पता था माँ ऐसा हो कुछ हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो जुगल के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? ये जरूर कोई जाल है। हमें इस पूनम से मिलना होगा। हमने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि कैसा जाल बुन रही हो तुम। इतना बड़ा झूठ कि तुम जुगल के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये झूठ नहीं, ये सच है। पर आपको ये झूठ क्यों लग रहा है? आप जुगल के बच्चे की माँ बन सकती हो तो मैं क्यों नहीं? देखो, हमें अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जुगल के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर बुन रही हो। तुम किसी और का पाप उसके सर पे कैसे थोप सकती हो? आप ये कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पर? अगर आपको इस बात पर शक है तो मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बच्चा जुगल का ही है। जुगल के अलावा मैंने अपने करीब किसी को नहीं आने दिया, समझ गई आप? वरी मैं आ जाऊंगा टाइम पे बाबा। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं बाद में बात करता हूं। ये मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए, ये मेरे साथ विश्वासघात के लिए, ये मेरी पवित्रता दागदार करने के लिए, और
ये मेरी गृहस्थी तबाह करने के लिए। मारा है डॉक्टर अविराज को। क्या करते हम? इन्होंने हमारे साथ धोखा जो किया। इन्होंने हमको बताया कि हमारे पति जुगल कभी बाप नहीं बन सकते। इन्होंने कहा था कि हमें ही अपने खानदान को बचाने के लिए समझौता करना होगा, बहू का फर्ज निभाना होगा। हमने निभाया, हमने वो समझौता भी किया, लेकिन जब हम पूनम से मिले तो हमें पता चला कि वो जुगल के बच्चे की मां बनने वाली है। तो हम बहुत परेशान हो गए। हम डॉक्टर अविराज के पास फिर से गए। ये सच कैसे हो सकता है? पूनम हमारे सामने दावा कर रही है कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली है। आप बेवजह परेशान हो रही हैं भाभी जी। अरे ये सच कभी ना कभी सामने तो आना ही था। और सच ये है कि जुगल के अंदर कोई भी कमी नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी जी, जुगल के अंदर छोटी मोटी कमियां थी जिसके लिए मैंने दवाइयां लिख दी थी। वो कमियां तो अब दूर हो गई होंगी। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोली क्यों किया आपने मेरे साथ? ओह भाभी जी, अब भूल जाइए ना उस बात को। अरे रात गई बात गई। और मैं करता भी क्या भाभी जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो आपकी खूबसूरती मेरे आंखों में इस कदर बैठ गई थी कि मैं आपको भूल नहीं पाया। और आपको हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। और अचानक आपने मुझे मौका ही दे दिया। भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मैं किसी को यह नहीं बताऊंगा कि यह बच्चा मेरा है, क्योंकि आपको इस बच्चे को जन्म तो देना ही होगा। इस सप्ताह शनिदेव करेंगे न्याय। अपने पिता के जीवन के लिए मैं मृत्यु तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा। अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा। पापियों को मिलेगा उनके कर्मों का दंड और भक्तों को मिलेगा उनकी भक्ति का फल। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए शनिदेव का न्याय चक्र, महिमा शनिदेव की, सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। हाँ मैंने जुर्म किया है, लेकिन मुझे इस हद तक गिराने में, इस नरक में ढकेलने में किसका हाथ है? क्या आप में से कोई हमें जवाब देगा? बोलिए। हमारे पति देव, आप तो हमारे पति थे। अरे लालच है ऐसे पति होने पर, आपकी वजह से हमें नरक में गिरना पड़ा। आपकी वजह से हमें अपने पवित्रता, अपनी आत्मा, अपनी वजूद के साथ समझौता करना पड़ा, जो हम मरकर भी नहीं करते। काश अब एक बार मेरे कहने पे डॉक्टर अंजलि के पास चले गए होते तो आज उस अविराज को मौका नहीं मिलता इतना बड़ा फायदा उठाने का। क्या पति पत्नी के रिश्ते, उनके प्यार के रिश्ते, एक बच्चा ना हो तो कोई रिश्ता नहीं है? मेरी सासू माँ जिनका सिर्फ ये कहना था कि हम कहीं भी सर पट के कुछ भी करें, बस इनके इनके घर का चिराग लाके दे दे। अरे आप तो एक औरत थी, एक औरत के दर्द को नहीं समझ सकी? एक बार अपने बेटे को समझाया तो होता।
और ये हमारे घर के दामाद, इन्होंने हमें सलाह दी भी तो क्या दी कि हम इनके साथ संबंध बनाकर औलाद पैदा कर लें। छी, लालच है ऐसे रिश्तों पर। अब आप लोग बताइए कि जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार हम अकेले हैं। हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, हमारा कोई नहीं है, अरे जैसे भी जीना होगा जी लेंगे हम। इंस्पेक्टर साहब चलिए। ये चलो। इस तरह की घटनाएं आज के समाज पर एक तमाचा है, हमें इस तरह की घटनाओं से सबक और सीख लेनी होगी। जब घर के ही लोग अपने नहीं रह जाते तो पराए लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू जो अपने घर के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी, उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में ले लें। परिस्थितियां विकट थी, लेकिन शोभा चाहती तो पहले ही अलग होने का फैसला कर सकती थी। अगर वो अलग होती तो उसके हाथ तो हत्या जैसा जुर्म ना होता, और जुर्म एक ऐसी दोधारी तलवार है जो दोनों ओर से काटती है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।